ओके सो टुडे सेशन वील बिगिन एंड आपको मैं सबसे पहले शेयर कर देती हूँ डिटेल्स सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड के सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड में आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स और इसका प्लेसमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग है याद रखना सेल्टेक क्रॉस जब भी आप करें तो प्लीज कीप योर नोट्स हैंडी इनिशियली आपको जरूरत पड़ेगी फिर आपका हाथ ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है ये स्प्रेड सबसे पुराना मेथड है और बहुत कॉमनली यूज होने वाला स्प्रेड है इन टैरो ये लेआउट वैसे तो बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड है अभी आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन जब आप इसको समझ जाते हैं जब आप इसको और ज्यादा नहीं आप अगर इसको दो तीन बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा ये बहुत ही पावरफुल स्प्रेड है मतलब आई हैव प्रैक्टिस दिस मेनी टाइम्स और आप खुद देखेंगे कि इस स्प्रेड के जरिए बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे देन लेआउट की बात करें वो तो याद करना ही पड़ेगा ये स्प्रेड आप किसी भी रीडिंग में यूज कर सकते हैं और किसी भी स्पेयर से रिलेटेड लाइफ के किसी भी स्पेयर से रिलेटेड आप इसको यूज कर सकते हैं अब अगर आप पहले देखें सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड को तो हो सकता है ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे इन टर्म्स ऑफ के कार्ड स्प्रेड कैसे करने हैं इन टर्म्स ऑफ के इसकी कहानी कैसे बुननी है इसको इंटरप्रेट कैसे करना है लेकिन रियालिटी में देखा जाए तो बहुत सिंपल है टू मास्टर विथ जस्ट अ लिटल प्रैक्टिस अब ये बहुत बड़ा टैरो स्प्रेड है फॉर द बिगिनिंग रीडर टू लर्न फ्रॉम बिकॉज होता क्या है कि कई बार कई इंटर रिलेटेड कार्ड्स मिल जाते हैं जो ऑपरचुनिटी देते हैं कि हम समझ सकें कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं हम किस फेज में है लाइफ के या किस जोन को हमें टैप करना चाहिए टू गेट इन द मैक्सिमम रिजल्ट्स इसमें अगर आप पहले मैं आपको एक नजर स्प्रेड की दिखा देती हूं अगर आप स्प्रेड देखेंगे आई हैव शेयर्ड द नोट्स आल्सो तो आपको नोट्स में भी यही दिख रहा होगा कि इसमें जो पहला कार्ड है वो नीचे है सबसे नीचे है। दूसरा कार्ड उस पर फोर्थ नीचे फिफ्थ ऊपर सिक्स इस, इस तरफ तो ये क्या हुआ ये तो पूरा बन गया क्रॉस फिर सेवेंथ से टेंथ तक के जो चार कार्ड्स हैं वो एक लाइन साइड में फॉर्म कर लेंगे तो देखा जाए तो अगर आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे तो आपके लिए याद रखना बहुत आसान है कि पहला कार्ड आपको नीचे रखना है दूसरा कार्ड उस पर क्रॉस बना के रखना है थर्ड कार्ड इस तरफ फोर्थ नीचे फिफ्थ ऊपर सिक्स इस तरफ तो ये बन गया आपका कंप्लीट क्रॉस अब इसके बाद सेवेंथ एट नाइन्थ टेन्थ तो ये तो हो गई प्लेसमेंट कैसे याद करेंगे अब आते हैं हर कार्ड का मतलब क्या है पहला कार्ड ये दिस इज योर कवर्ड कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है आपकी करेंट सिचुएशन को दूसरा कार्ड ये जो क्रॉस आपने ऊपर रखा ये रिप्रेजेंट करता है इमीडिएट अपोजिंग फोर्सेस को देखिए याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है पहला कार्ड आपकी सिचुएशन है और दूसरा कार्ड क्योंकि उसे उठने नहीं दे रहा उसे अपोज कर रहा है तो दूसरे कार्ड को ओपोजिंग फोर्सेस का नाम दे दिया अब ये कई बार नेगेटिव भी हो सकते हैं कई बार पॉजिटिव भी हो सकते हैं अब कई बार आप खुद देखेंगे आगे आने वाली रीडिंग में कि पॉजिटिव कार्ड्स भी चैलेंजेस को डिनोट करते हैं राइट right? अब इसके अलावा जो थर्ड कार्ड है ये फाउंडेशन कार्ड है अब फाउंडेशन कार्ड रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंसेस को या उन इश्यूज को जो डिस्टेंट पास से आ रहे हैं और जो करेंटली आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं राइट right? अब इस केस में फाउंडेशन कार्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड कार्ड क्योंकि हमने देखा था हमने इसको इस तरफ प्लेस किया है तो ये बताता है कि कौन सी चीजें जो पास से आ रही हैं और अभी हमारी करंट सिचुएशन को अफेक्ट कर रही हैं। फोर्थ कार्ड जो कि हमने आ, नीचे रखा था शायद नीचे ही रखा था तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पीछे क्या है मतलब रीसेंट पास में क्या हुआ तो थर्ड कार्ड में हमने डिस्टेंट पास देखा था और फोर्थ कार्ड में हमने क्या देखा Recent past देखा पास तो हमने दोनों चीजें देख ली फिफ्थ कार्ड जो है जो कि ऊपर रखा था वो बताता है कि क्या आपको क्राउन करता है यानी कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम या सोल्यूशन आपकी सिचुएशन का क्या हो सकता है अब आते हैं सिक्स कार्ड जो कि हमने इस साइड पे रखा था ये बताता है कि आपके आगे क्या है अब क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड के आगे पड़ रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड तो हम इसको लेते हैं कि आपके नियर फ्यूचर में क्या है तो ये तो हो गया वो क्रॉस वाला सिनेरियो खत्म अब जो सेवेंथ एट नाइन्थ टेंथ है तो सेवेंथ कार्ड क्या बताता है ये आपके अः फीलिंग्स एटीट्यूड आपकी करंट सिचुएशन को लेके क्या है उन्हें बताता है एट कार्ड जो है इससे हम ओपिनियन कार्ड भी कहते हैं ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को ये रिवील करता है कि कैसे दूसरे आपके मैटर को देख रहे हैं नाइन्थ कार्ड नाइन्थ कार्ड जो है ये होप्स फेयर्स एक्सपेक्टेशंस का कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी करंट सिचुएशन में आपके ऐसे कौन से डर हैं कौन सी ऐसी उम्मीद वाले फैक्टर्स है डिपेंडिंग कि उस समय कार्ड क्या आता है राइट right? और टेंथ कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है आउटकम कार्ड मोस्ट लाइकली आउटकम क्या होगा या रिजल्ट क्या होगा अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एक सिचुएशन का पूरी तरीके से आपने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया जहां अपने पास्ट इन्फ्लुएंसेस और फ्यूचर इन्फ्लुएंसेस को भी कंसिडर किया फिर उसके अलावा आपने ओपिनियंस को भी देखा दूसरे क्या सोचते हैं आपके मन में डर क्या है आप किस चीज से उम्मीद बांध रहे हैं तो आपने एक तरीके से एक सिचुएशन के हर पहलू को जांच पर रख लिया सो दैट इज वाई दिस स्प्रेड बिकेम सो कॉमन सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड कि लोग इसे फॉलो करने लगे स्प्रेड आपको दिखाने के पीछे मेन रीजन यही था कि आप इसे प्रैक्टिस करें आप इससे अपनी रीडिंग चालू करें तो जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो आप खुद के लिए ही करेंगे राइट right? अभी तो सिचुएशन समझाई कि हाँ इसको हम कैसे रीड करते हैं अब